काशीपुर पुलिस ने आज एक्सिस बैंक से 16 लाख के गबन का खुलासा कर दिया है। दरअसल पुलिस ने एक्सिस बैंक के एटीएम में डालने के लिए दी गई 16 लाख की नकदी को हड़पने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। साथ ही पुलिस ने मौके से एक स्विफ्ट डिजायर कार को भी कब्जे में ले लिया है। मामले में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि बीते माह 22 फरवरी को सीएमएस कंपनी हल्द्वानी के शाखा प्रबंधक विजय सिंह ने मुकदमा दर्ज कराकर कस्टोडियन और 4 युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर मामले में जांच की और जांच में 5 आरोपियों की ओर से एटीएम में पैसे डालने के बाद लोग खोलकर नकदी निकालने की बात साफ हुई। वहीं मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी उधम सिंह ने 2500 रुपये देने की घोषणा की है। ये पिछले महीने 22 फरवरी को सीएमएस जो कंपनी है उनके मैनेजर के द्वारा थाना काशीपुर पर एक अभियोग पंजीकृत करवाया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनके कंपनी के कुछ कर्मचारियों के द्वारा एक्सिस बैंक का एटीएम है उसमें कैश लोड किया गया था। और जब स्टेटमेंट उसका चेक किया गया तकरीबन 10-15 दिन बाद, तो उनको पता चला कि 16 लाख का गबन इनके कर्मचारी के द्वारा किया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा FIR कायम करवाई गई और उसके विवेचक जो हमारे चौकी इंचार्ज मास कोटान श्री रविंदर विश्व दरुआ जी, उनके द्वारा जांच प्रारंभ की गई। इस दौरान जो है ASP CO काशिप साहब के द्वारा, SHO साहब के द्वारा, मेरे द्वारा उनको जो है दिशा निर्देश दिए गए और उसी का नतीजा है कि हमारी टीम जो है अत्यंत सफलतापूर्वक कार्य करते हुए अल्प समय में ही इस अभियोग का खुलासा किया गया है। और इस अभियोग से संबंधित 5 अभियुक्तों को कल गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से तकरीबन जो गबन की गई राशि में से 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। एक कार जो MP नंबर की है स्विफ्ट डिजायर, उसको भी बरामद किया गया है, जिसके अभी प्रथम दृष्टि ये सूचना मिल रही है कि जो पैसा गबन किया गया था उसी पैसे का इस्तेमाल इस कार को खरीदने में किया गया है। इसके उपरांत कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी इनके कब्जे से बरामद किए गए हैं। तो हमारी काशीपुर पुलिस का जो है ये अत्यंत ही सराहनीय कार्य है। इतनी बड़ी रिकवरी जो है इतने अल्प समय में की गई है और इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो भी बड़ा सातिराना था। और इसमें एक कर्मचारी जो है पहले भी इनके CMS कंपनी में कार्य कर चुका था, तो वही इसका मास्टरमाइंड था। और बाकी जो 2 लड़के हैं वो इनके दोस्त थे, जिनको सबने मिलकर जो है एक गैंग बना के इस कार्य को अंजाम दिया। इसमें संबंधित घटना में सभी लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा चुका है और भी जानकारी की जा रही है कि अन्य जनपदों में इन्होंने इसी प्रकार की घटना तो नहीं की है, उसके संबंध में जानकारी की जाएगी और आगे भी कार्रवाई इसमें की जाएगी। पुलिस को जो है SSP महोदय के द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई करने हेतु उत्साहवर्धन हेतु 2500 के इनाम की घोषणा की गई है। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।